बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह की शादी सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर शादी बन गई थी। उनकी शादी से पहले नेहा का गाना भी रिलीज हुआ था, इससे वो रोहन प्रीत के साथ नजर आई थी। हाल ही में ये कपल सोनी टीवी के फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में आया। शो में दोनों ने अपनी लव स्टोरी के अलावा काफी बातें शेयर की। उन्होंने रिलेशनशिप की शुरुआत से लेकर शादी तक हर अहम बात को बताया। रिलेशनशिप की शुरुआत में ही नेहा ने रोहन प्रीत से एक डिमांड रखी थी, इस कारण रोहन प्रीत को नेहा से शादी करनी पड़ी। आइए जानते हैं वो डिमांड क्या थी। कपिल शर्मा ने नेहा कक्कड़ से पूछा कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। इस पर नेहा ने कहा कि मैं और रोहन प्रीत शादी के 3 महीने पहले यानी कि अगस्त में चंडीगढ़ में पहली बार मिले थे। उस समय दोनों एक वीडियो शूट के सिलसिले में मिले थे। वीडियो शूट खत्म होने के बाद मेरी रोहन प्रीत से बातचीत हुई तो उसने मुझसे मेरी स्नैपचैट आईडी मांगी। इसके बाद मेरी रोहन प्रीत से बात होने लगी तो मैंने साफ कर दिया कि रोहन, मैं रिलेशनशिप में तब ही जाऊंगी जब शादी करोगे, क्योंकि मेरी अब शादी ही की उम्र हो चुकी है और फिर से कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। इसके बाद मेरी और रोहन की बातचीत बंद हो गई। कुछ समय बाद जब मैं फिर से चंडीगढ़ पहुंची तो रोहन प्रीत ने कहा कि नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूं, चलो शादी करते हैं। नेहा ने आगे कहा कि मम्मी तो रोहन की दीवानी है, वो कहती हैं मैं समझती थी कि नेहू की स्माइल सबसे अच्छी, लेकिन नेहू से भी अच्छी रोहन की स्माइल है। इस पर रोहन कहते हैं कि नहीं, आपकी स्माइल ज्यादा अच्छी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।